हरियाणा में विधानसभा चुनाव घोषित होने के बाद वोटर्स को रिझाने के लिए हर पार्टी कुछ न कुछ करने में लगी है। इससे बीच कांग्रेस ने रविवार को करनाल में आयोजित प्रदेश स्तरीय पंजाबी सम्मेलन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की थी, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद को पंजाबी बताया, जिसके बाद हरियाणा के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि अब हुड्डा पंजाबी राग अलाप रहे हैं, जबकि जब पंजाबी हिंदुस्तान से ही हिंदुस्तान में आए तो उस समय कांग्रेस ने उनके साथ जो व्यवहार किया था वह भी पंजाबी समाज भूला नहीं है। उन्होंने कहा कि जब विभाजन हुआ तब पंजाबी दर दर भटक रहे थे, तब कांग्रेस कहां थी, अब हुड्डा खुद को पंजाबी बता रहे हैं और पंजाबी वोट को साधने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि हुड्डा ने कहा कि देश के बंटवारे के बाद पंजाबी उजड़ कर आए थे, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर कामयाबी हासिल की है। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद प्रदेश में पंजाबियों के लिए पंजाबी वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा और आप लोगों में से ही एक व्यक्ति उसका चेयरमैन होगा। उन्होंने कहा कि जहां तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पंजाबी राग अलाप रहे हैं तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि पहले ये कहां थे जब हिंदुस्तान का विभाजन हुआ और तब वे लोग दर दर भटके, तब कांग्रेस कहां थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि वे लोग हिंदुस्तान से ही हिंदुस्तान में आए, बल्कि उनके साथ जिस प्रकार का इनका व्यवहार होना चाहिए था वह इन्होंने नहीं किया। हुड्डा ने कहा कि वह भी पंजाबी हैं क्योंकि उनका जन्म 1947 में हुआ है और हरियाणा 1966 में बना, उस समय हरियाणा भी पंजाब का ही हिस्सा था। भाई ये पंजाबी सम्मेलन है, पंजाबी तो मैं भी हूँ, जब मैं पैदा हुआ पंजाब में पैदा हुआ था भाई, कोई हरियाणा तो 66 में बना, मैं तो 47 में पैदा हो गया था, उस टाइम पंजाब था। लेकिन ये सम्मेलन उन लोगों का है जो मेरे सामने हैं, जिन्होंने मेहनत करके आगे बढ़े हैं। हम तो भाई पैदा हुए, परिवार में पैदा हुए, हमारे कोई चिंता नहीं थी खाने पीने की, आपने जो भी था पढ़ाई की अच्छे हम, लेकिन जो समाज विस्थापित होके आया मेरे को मालूम है कितनी मेहनत करके ये आगे बढ़ा है, ये मैं उसकी आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। जहाँ तक भूपिंदर सिंह हुड्डा जी पंजाबी राग अलाप रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ कि पहले ये कहाँ थे जब हिंदुस्तान का विभाजन हुआ और वो लोग दर दर भटके, तब कांग्रेस कहाँ थी। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि वो हिंदुस्तान से हिंदुस्तान में आए उनके साथ जिस प्रकार का इनका व्यवहार होना चाहिए था वो इन्होंने नहीं किया।